यह है सैमसंग का वॉशिंग मशीन जिसका पूरा नाम सैमसंग AI एकोबल डिजिटल इन्वर्टर 8kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। आज की वीडियो में इसी वॉशिंग मशीन का पूरा जानकारी दूंगा, मतलब इसे कैसे यूज करते हैं, इसका प्राइस कितना है, कितने साल का वारंटी मिलता है, इसका वाईफाई कैसे यूज करे, क्या इसका वॉशिंग क्वालिटी अच्छा है या बुरा है, क्या यह कपड़ों को सूखा कर देता है, पाइप कनेक्शन कैसे करे, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एक ऐप आता है, उस ऐप को कैसे यूज करते हैं। आपके मन में और भी अन्य सवाल होंगे, उन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो वीडियो को पूरा देखिए। यह है सैमसंग 8kg एकोबल वॉशिंग मशीन। तो इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है और इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में जानेंगे, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक क्लिप मिलेगा जिसकी मदद से आप पाउडर या फिर लिक्विड दोनों यूज कर सकते हैं, और इसके साथ आपको एक हैंगर भी मिलता है जिसकी मदद से आप पाइप को हैंग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक क्लिप दिखाया था, वो आपको इधर लगाना है। इधर लगाएंगे तो लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, अगर आप पाउडर यूज करते हैं तो वो निकाल कर यूज करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसको निकालने का भाई इजी है, आप इधर प्रेस करके इसे आराम से निकाल सकते हैं। अब इस वॉशिंग मशीन का पाइप कनेक्शन के बारे में जानेंगे। आप इधर देख सकते हैं इसके अंदर आपको दो पाइप मिलते हैं, आप ये व्हाइट कलर देख रहे हैं ना, इसके अंदर फ्रेश पानी आता है जो वॉशिंग मशीन के अंदर धोने के लिए यूज होता है, और इस पाइप के अंदर जो वेस्ट पानी रहता है ना वो बाहर जाता है। तो फिलहाल मैं इधर इस पाइप को टंगा चुका हूँ, आप इस वेस्ट पानी के लिए कोई और व्यवस्था कर सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही काम चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये वॉशिंग मशीन है, इधर आप देख सकते हैं सैमसंग एकोबल डिजिटल इन्वर्टर 8kg बोल के लिखा हुआ आ रहा है। आप इधर ये नॉब देख सकते हैं और ये स्विच है, ये प्ले पॉज बटन का है, और इधर सारे ऑप्शन को इधर देख सकते हैं। तो पहले इसको कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का प्लग देखने को मिलता है, थोड़ा बड़ा प्लग है दोस्तों ये, तो आपके पास ऐसा छोटा प्लग है तो इसके अंदर आप लगा नहीं सकते हैं। उसे लगाने के लिए आपको इस तरह का एक प्लग आता है, उसको इधर लगाकर इसको इधर आप लगा के यूज कर सकते हैं, पर ये टेम्पोररी है दोस्तों, परमानेंट के लिए आप कुछ इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इन्वर्टर है ना, इसलिए हम डायरेक्ट कनेक्शन करवा चुके हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो ऐसे ही करके आप चला सकते हैं, पर आपके पास इन्वर्टर है तो आप इस तरह का डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका इन्वर्टर खराब होने का चांसेस रहता है, क्योंकि यह वॉशिंग मशीन थोड़ा ज्यादा ही लोड लेता है, इसलिए आप सेपरेट कनेक्शन ही बनवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये निकाल देता हूँ, इसे मैं इधर लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लगा चुका हूँ, लगाने के बाद स्विच को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद इधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप इधर ये बटन देख सकते हैं, ये टच पैनल है दोस्तों, ये इसके अंदर बटन्स नहीं आता है, टच पैनल है। तो इसे ऑन करने के लिए इधर थ्री सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन ऑन हो चुका है, आप इधर देख सकते हैं इधर टेम्परेचर दिखाता है, इधर पानी कितना लेना है, कितना टब लेना है वो दिखाता है, इधर स्पिन RPM दिखाता है, मतलब ये जो ड्रम है ना, ये ड्रम कितने स्पीड में घूमना है उसके बारे में बताता है। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूं, अंदर मैं एक दस्ती डाल चुका हूं, आप इधर देख सकते हैं ये फिलहाल मिक्स फ्लोर पर सेट है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए आपको ये नॉब को घुमाना होगा। और एक बार इधर मिक्स फ्लोर क्यों दिख रहा है कि इधर देखिए AI बोल के लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं डेली मिक्स फ्लोर ही यूज करता हूं, इसलिए इधर मिक्स फ्लोर आ रहा है। अगर डेली आप कोई एक वॉश मोड को या वॉश प्रोग्राम को यूज करते हैं तो वो फर्स्ट वही दिखाता है। तो आप देख सकते हैं मैं यह नॉब घुमाता हूं, घुमाने के बाद इधर देखिए 15 क्विक वॉश बोल के आ रहा है, तो ये 18 मिनट में वॉशिंग कंप्लीट कर देता है। आप इधर से टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, पानी भी सेट कर सकते हैं, और इसका RPM भी सेट कर सकते हैं। सारे वॉश प्रोग्राम के अंदर आप ये टेम्परेचर, पानी और स्पिन, तो तीनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इधर क्लिक करूंगा तो 20°C तक ये पानी को गर्म करेगा और वॉश करेगा। अभी एक बार प्रेस करेंगे तो 30° हो जाएगा, और एक बार प्रेस करूंगा तो 40° हो जाएगा, मतलब ये 40°C तक गर्म करके धो सकता है। पानी को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, आप इधर RPM को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए RPM ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो और एक मोड के बारे में बता देता हूँ, तो ये कॉटन के लिए है दोस्तों, कॉटन कपड़े आप इसके अंदर धो सकते हैं, और इंटेंस कोल्ड है दोस्तों, इसके अंदर आप पानी कोल्ड करके ये प्रोग्राम धो देता है। और ई कॉटन है और सिंथेटिक्स, मतलब इसके अंदर पॉलिस्टर और नायलॉन, इसके अंदर आप धो सकते हैं, और टेम्परेचर भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सबके अंदर ये आता है, आप डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। और डेलिकेट है दोस्तों, मतलब सिल्क और कोई ऐसे कपड़े जो बहुत डेलिकेट होते हैं वो इसके अंदर आप धो सकते हैं, 35 मिनट्स टाइम लेता है।
इसके अंदर आप टॉवल्स को धो सकते हैं और ये 2 आवर्स का टाइम लेता है और पानी को 60 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म कर देता है। ये एक बेडिंग प्रोग्राम है दोस्तों, इसके अंदर आप अपना बेडशीट और कर्टन्स इसके अंदर धो सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर टी शर्ट्स और शर्ट्स भी इसके अंदर आप धो सकते हैं। शर्ट वाले प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं 1 आवर का टाइम बता रहा है, 1 आवर के अंदर ये आपको धो कर देगा। तो ये हाइजीन स्टीम है दोस्तों, इसके अंदर स्टीम की मदद से आपके कपड़े को धो देगा। इसके अंदर आप ऊल के कपड़े डाल सकते हैं, उलन कपड़े डाल सकते हैं। 53 मिनट्स लेता है और ये आउटडोर मतलब कपड़े बहुत गंदे हुए तो इस प्रोग्राम को यूज करके आप कपड़े को धो सकते हैं। इधर एक्टिव वेयर है दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ कपड़े आप धो सकते हैं। ये कलर्स है दोस्तों, इसके अंदर धोएंगे तो कलर्स ज्यादा नहीं जाएंगे आपके, अगर आपके कपड़ों का कलर जा रहा है तो आप इसके अंदर अपना कपड़े इस प्रोग्राम के अंदर अपने कपड़े को धोइए, कलर नहीं जाएंगे। इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर आप जीन्स को जीन्स पैंट जीन्स शर्ट रहता है ना उनको धो सकते हैं। और इसके अंदर बेबी केयर में इधर देखिए 90 डिग्री सेल्सियस में पानी को गर्म करता है, गर्म करके 2 घंटे तक धोता है और 4 टब पानी लेता है दोस्तों। और इसका मैक्सिमम स्पिन स्पीड 1400 RPM है दोस्तों इसका। और ये एक साइलेंट वॉश प्रोग्राम में कहता है दोस्तों, इसके अंदर जब वॉशिंग कंप्लीट होता है ना तब एक म्यूजिक बजता है, वो म्यूजिक इसके अंदर नहीं बजता है, इसलिए एक साइलेंट मोड भी दिया गया है। क्लाउडी डे अगर धूप नहीं है तो आप इसके अंदर कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से सुखा सकते हैं, मतलब इसके अंदर स्पिन टाइम थोड़ा ज्यादा है दोस्तों, इसके अंदर कपड़े सूख कर जाते हैं, थोड़ा नमी रहता है वो आप बाहर डालेंगे तो अपने आप सूख जाएंगे, पर पानी बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं रहता है कपड़े के अंदर, ये ऑलमोस्ट सूख कर ही आते हैं। ये रिंस प्लस स्पिन, इसके अंदर सिर्फ वो रिंस और स्पिनिंग ही कर देता है। ये लगभग 20 मिनट इसका टाइम है दोस्तों और एक टब पानी लेता है और इसका स्पिन स्पीड 1400 होता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए चेंज हो रहा है तो मैं 1400 रख देता हूँ। और ये ड्रेन और स्पिन, और ये ड्रम क्लीन, ड्रम क्लीन का मतलब आप अपने ड्रम को भी क्लीन कर सकते हैं, मतलब ये 2 महीने या फिर 1 महीने में एक बार आप इसे ड्रम क्लीन कर सकते हैं। ड्रम क्लीन का मतलब ये आप देख सकते हैं ना, इसको ही ड्रम क्लीन बोलते हैं, इसको ये अपने आप क्लीन कर देता है ड्रम को, आप इसे महीने में और 2 महीने में एक बार इसे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं मिक्स लोड के अंदर डेली वॉश करता हूँ, इसलिए मैं अब मिक्स लोड के ऊपर सेट कर चुका हूँ। अब सीधा इसके अंदर कपड़े डालेंगे। तो इधर देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं इतने सारे कपड़े डाल चुका हूँ, मतलब इसके अंदर 4 लोगों का कपड़ा है दोस्तों, फिर भी इतना स्पेस हमें बचा है, इतना स्पेस बचा है तो आप इसके अंदर अभी भी कपड़े डाल सकते हैं। हमारे पास फिलहाल इतने ही कपड़े हैं इसलिए मैं इतने कपड़े डाल चुका हूँ। और एक बात दोस्तों, कपड़े को ऐसा मत छोड़िए ऐसे अंदर ही, ये पूरा इधर थोड़ा गैप रहना है दोस्तों, थोड़ा पीछे तक कपड़ों को डालना है, इसके ऊपर गिरे तो पानी लीक होने का चांसेस रहता है, इसलिए आप अंदर ही इसे डालकर बंद करना है। तो इधर देखिए दोस्तों, सब कुछ सेट है, इधर आप देख सकते हैं मिक्स लोड है, 1 आवर 6 मिनट लेता है और पानी को मैं 30 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ और पानी को 3 कर देता हूँ, 3 टब लेना चाहिए और ये 1400 RPM रख देता हूँ। तो इसे वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करने के लिए इधर आप देख सकते हैं एक प्ले एंड पॉज का बटन दिया गया है, उसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर देखिए अब स्टार्ट हो चुका है वॉशिंग मशीन, तो लगभग 1 आवर 18 मिनट का टाइम इधर दिखा रहा है, आप इधर देख सकते हैं 1 आवर 18 मिनट का टाइम दिखा रहा है। मुझे और थोड़े कपड़े इसके अंदर ऐड करने थे इसलिए मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके पॉज कर चुका हूँ, इधर आप देख सकते हैं पॉज रोल के लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर मैं और 2-3 कपड़े ऐड कर रहा हूँ। और एक बार इसके अंदर पाउडर आप इधर डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं और इधर भी डाल सकते हैं, तो मैं फिलहाल इधर डाल रहा हूँ, आप पाउडर को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो पाउडर डालने के बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं सब कुछ सेट हो चुका है, पाउडर भी डाल चुका हूँ और इधर पॉज बोल के लिखा हुआ आ रहा है, तो प्ले करने के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो देखिए ये वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो चुका है, ये लगभग 1 आवर 18 मिनट्स ये ले रहा है, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपके लिए। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, इधर सेंसिंग लोड बोल के आ रहा है, मतलब ये कितना वेट है वो समझ रहा है इसके अंदर। दोस्तों पे तरह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बबल निकाल कर कपड़े को धोता है। तो इधर फिलहाल देख सकते हैं अभी 1 आवर 12 मिनट्स बचा है, तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए मैं
वीडियो को काट रहा हूँ तो इस तरीके से धोता है। मैं आपको RPM भी दिखा देता हूँ इसका, कितना स्पीड से घूमता है। उसको दिखाने के लिए तो थोड़ा वेट करना है क्योंकि लास्ट में ये तेज घूमता है कपड़े को सुखाने के लिए, तो इसलिए आप वेट कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका RPM स्पीड देखिए दोस्तों, और मशीन भी थोड़ा हिल रहा है, मशीन वाइब्रेट कर रहा है दोस्तों, पर वीडियो में नहीं दिख रहा है। वो किसके लिए हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं मैं स्टैंड खरीद चुका हूँ, स्टैंड की वजह से ही मशीन हिल रहा है, नहीं तो उतना नहीं हिलता है, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा हिलता है मशीन, पर स्टैंड की वजह से ही हिल रहा है। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों अभी 11 मिनट बचे हैं, अब ये बहुत स्पीड में स्पिन करेगा, अब वो देखेंगे दोस्तों। इधर आप देख सकते हैं स्पिन हो रहा है। अगला 20 सेकंड सिर्फ स्पिनिंग का ये पार्ट दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये देखने का पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी 10 मिनट बचा है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं कितना ये साउंड कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इतना स्पीड में घूम सकता है, मतलब 1400 इसका मैक्सिमम RPM है दोस्तों, उतने स्पीड में ये घूम सकता है। फिर से बोल रहा हूँ अगर आपको ये स्पिनिंग वाला पार्ट नहीं देखना है तो स्क्रीन के ऊपर 4 बार टैप करके 40 सेकेंड आगे जा सकते हैं। स्पिनिंग करते समय कपड़े एक दूसरे को चिपकते हैं, इसलिए वॉशिंग मशीन अंत में क्या करता है कि सब कपड़े को अलग अलग करता है। आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सारे कपड़े अलग हो रहे हैं। अब हमारा वॉशिंग कंप्लीट हो चुका है। आप इधर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कपड़े सूख कर आता है, 90% ये कपड़े सूख चुके हैं, अभी 10% सूखने का है, इसलिए आप इसे बाहर डालेंगे तो ये अपने आप सूख जाएंगे। तो आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कपड़े कैसे सूख चुके हैं। आपको पता होगा कि रेनी सीजन में ये बहुत हेल्प होता है क्योंकि रेनी सीजन में सूरज नहीं आता है, तो ये 90% सूखता है, तो अपने आप घर में डालेंगे तो भी ये सूख जाएंगे, उतना इसके अंदर से पानी निकल जाता है। तो फिलहाल मैं इधर ऐसे रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ, बाद में सुखाता हूँ। अब इस वॉशिंग मशीन का प्राइस और वारंटी के बारे में बात करेंगे। ये वॉशिंग मशीन मैं रिलायंस डिजिटल में परचेज किया हूँ, मुझे ये लगभग 42,000 में पड़ा है और इसके ऊपर मुझे 5 साल का एडिशनल वारंटी मिला है पूरा वॉशिंग मशीन के ऊपर, और इस वॉशिंग मशीन के मोटर पर 20 ईयर्स का वारंटी मुझे मिला है। अगर आप भी एक साइकिल लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सिर्फ 7,000 में आपको एक बढ़िया गियर साइकिल मिल रहा है। नहीं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, जियो का 395 प्लान के ऊपर है, 100K होने में सिर्फ 10K बचे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्ते।